दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में तकरीबन 23 खबरें हैं और ज़बरदस्त खबरें हैं भाई, सुनकर मज़ा आ जाएगा, आप यकीन करो। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए बहुत सारे लोग स्टेडियम में गए थे, बहुत सारे बॉलीवुड वाले भी गए थे, वहाँ पर एसआर के दीपिका और रणवीर सिंह भी गए थे। तो बस आप ज़रा ये वीडियो देख लो और आपको पता चल जाएगा कि एसआरके और दीपिका की कितनी बढ़िया दोस्ती है और रणवीर सिंह को एसआरके ने कैसे इग्नोर किया। भाई साहब, देख लिया ना आपने, इसको कहते हैं केमिस्ट्री और इसको कहते हैं हस्बैंड की भारी बेइज्जती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणवीर सिंह की बेचारे की बॉलीवुड में क्या इज्जत है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है सूखी लकड़ी हीरोइन कृति सेनन के बारे में। ये लड़की एक इवेंट में गई थी और बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुए थे। उसी इवेंट के दौरान जब ये स्टेज पर थी तो इसका पाद आ गया। तो आप ये वीडियो देखो कि कृति सेनन ने पादने का क्या तरीका निकाला। ये देखने के बाद मैं कृति सेनन से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कहीं इवेंट में जाती हैं आप तो पेट साफ करके जाया करो ना। भाई साहब, आज की तीसरी खबर भी डबल ढोल की रणवीर सिंह के ही बारे में है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड कप का फाइनल शाहरुख खान भी देखने गया था, रणवीर सिंह भी और दीपिका भी, और ये तकरीबन एक ही जगह थे स्टेडियम में। तो जब मैच हो रहा था उस वक्त रणवीर सिंह क्या हरकत कर रहा था, जरा आप देख लीजिए। और आप यकीन करें, एसआरके को आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा आ रहा था। तो बस मेरे ख्याल में एसआरके इस हालत में था कि किसी भी वक्त रणवीर सिंह के कान के नीचे टनाटन बजा सकता था, शिरीष कुंदर जैसी हालत कर सकता था, लेकिन रणवीर सिंह बाल बाल बच गया। आज की चौथी खबर भी वर्ल्ड कप के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन टीम के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, और मेरा कहना यह है कि भाई इंडियन टीम चुनौतियों से तो मुकाबला कर लेती, लेकिन पनौतियों से मुकाबला कैसे करती। इंडियन टीम हारी है इन्हीं पनौतियों की वजह से। अरे भाई साहब, आप देखो तो डबल ढोल की रणवीर सिंह वहां था, आयुष्मान खुराना वहां था, अनुष्का शर्मा वहां थी, कल्लू भाई वहां था, और भाई साहब बुढ़ो भी वही था। आप अंदाजा लगाइए फिर इंडियन टीम कैसे जीत सकती थी। और इन सबसे ऊपर दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर भी स्टेडियम में था, जिससे ज्यादा तेज कोई फेंक ही नहीं सकता। तो भाई साहब, हकीकत यह है कि इंडियन टीम के लिए इन पनौतियों से पार पाना मुश्किल हो गया था, यही वजह है कि इंडियन टीम हार गई। दोस्तों, पांचवी खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अमिताभ बच्चन साहब ने कंफर्म कर दिया है कि हां, उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखा था, और उससे पहले वो खुद ही ट्वीट कर चुके हैं कि जब भी वो कोई मैच देखते हैं तो इंडिया हार जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब अमित जी ने यह मैच देखा था तो इंडिया हार नहीं थी। तो मेरे ख्याल में अमित जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की छठी खबर है एसआरके और आशा भोसले जी के बारे में। आशा जी भी स्टेडियम में थी मैच देखने के लिए, और जब मैच चल रहा था तो उस वक्त आशा जी कुछ खा रही थी और जो उनकी प्लेट थी वो एसआरके ने लेकर किसी एक आदमी को दी कि भाई इसको कहीं कचरे में फेंक दो। और ये वीडियो देखकर सारी दुनिया कह रही है कि भाई एसआरके कितना अच्छा आदमी है, कितना हम्बल आदमी है। ये बात मैं अपनी किताब में भी कह चुका हूं कि एसआरके से ज्यादा हम्बल आदमी बॉलीवुड में कोई नहीं है। एसआरके अपने लोगों को जितने प्यार से ट्रीट करता है वैसा बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। एसआरके ने डेविड बेकहम को भी अपने घर पर बुलाया था और उसने भी यही कहा कि भाई एसआरके बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही जबरदस्त मेहमान नवाजी करता है। इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी डेविड ने कभी पहले नहीं देखी। और मैं आपको ये बता दूं कि डेविड बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था, ये बिल्कुल सही है। एसआरके से बढ़िया मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, जब आप एसआरके के घर पर जाते हो ना तो वो आपको फील कराता है कि आप किंग हो, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हर एक मेहमान को वो गाड़ी तक छोड़ने आता है, उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसको गाड़ी में बैठाता है और तब उसको जाने के लिए कहता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, क्या दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता सिवाय एसआरके के। दोस्तों, आज की सेवंथ खबर है हाथी के बच्चे सिंगर बादशाह के बारे में। दो दिन पहले इस भैंसानुमा सिंगर का बर्थडे था और इसके जन्मदिन पर पाकिस्तान की एक हीरोइन हानिया आमिर ने इसको विश किया। भाई साहब, हानिया
हानिया के विश करने के बाद ये गेंडे का बच्चा इतना इमोशनल हो गया कि इसने कहा कि हानिया से ज्यादा टैलेंटेड इंसान दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। बादशाह भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बस जितने टैलेंटेड आप हो उतने ही टैलेंटेड वो है। जैसा टैलेंट आप में है, धड़ी खाते हो, धड़ी हंकते हो, सही से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, जितने गाने आपने बनाए हैं आज तक सब एक ही ट्यून पर बनाए हैं, तो भाई ऐसा टैलेंट किसी और में तो हो नहीं सकता। बस आपके बाद ये टैलेंट सिर्फ हानिया में ही है, किसी तीसरे में नहीं है। अबे हाथी के बच्चे भैंसा नुमा सिंगर, तू मुझे ये बता, तुझे कैसे पता कि टैलेंट क्या होता है? तुझे कैसे पता कि कोई टैलेंटेड है या नहीं है? मतलब जिसने तुझे विश कर दिया वो टैलेंटेड है, जिसने तुझे विश नहीं किया वो टैलेंटेड नहीं है, तो ये पैमाना है टैलेंट का? अबे हाथी के बच्चे सुधर जा, मत दिमाग खराब कर मेरा यार। दोस्तों आज की आठवीं खबर भी बुढ़ऊ के बारे में है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल पे बुढ़ऊ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां गया था, तो बुढ़ऊ ने वहां कहा कि भाई टाइगर बुढ़ा है, 4 भी बनने वाली है। अरे भाई साहब, अरे बुढ़ऊ साहब, कुछ तो माफ कर दीजिए। उस बेचारे निर्माता से तो पूछ लो जो सड़क पे आ गया है आपकी वजह से। आप 4 बनाने के सपने देख रहे हो, वो 3 में ही लुट गया है, बर्बाद हो गया है। बात को समझो भाई साहब। मेरे बुढ़ऊ भाई आप यकीन कर लीजिए, आपकी शक्ल ऐसी हो चुकी है कि अगर बच्चा देख लेना तो 3 दिन तक रोता रहे। तो अब आप अपने आप को एक्टर कहना बंद कर दीजिए और ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपकी टाइगर बुड्ढा है 4 बनेगी, 5 बनेगी, 6 बनेगी। भाई आज के हालात ये हैं कि अगर किसी ने आपको अपनी फिल्म में ले लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। आप यकीन कीजिए, आपकी फिल्म को कुत्ते ने भी नहीं देखना है। आगे जो भी आपकी फिल्म आनी है उसका सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है भाई साहब। दोस्तों आज की 9th खबर है बॉबी देओल के बारे में। एक वक्त था जब बॉबी देओल बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था और बॉबी देओल की एक फिल्म थी सोल्जर, भाई साहब वो मेरी फेवरेट फिल्म थी। मैंने तकरीबन उस फिल्म को 10 बार देखा था और इस फिल्म को रिलीज होकर 25 साल हो गए हैं। इसी मौके पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। दोस्तों आज की 10th खबर है फिल्म एनिमल के बारे में। आप सभी को पता है कि इसका टीजर आ गया है जो लोगों को पसंद आया है। इस फिल्म के 2 गाने भी आ चुके हैं जो लोगों को पसंद आए हैं और 23 नवंबर को इस फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रेलर भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब तक देख ना लूं तब तक कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों आज की 11वीं खबर भी वर्ल्ड कप के बारे में है। बॉलीवुड वाले और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे, अगर 11वां मैच नहीं जीते तो क्या हो गया? 10 मैच जीते बहुत बड़ी बात है, मतलब इन लोगों के लिए फाइनल में हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2014 से अब तक इंडियन टीम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, या सेमीफाइनल में हारती है या फाइनल में हार जाती है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारी टीम के प्लेयर्स हैं उनके दिल बहुत छोटे-छोटे हैं, वो बड़े मैच में दूसरी टीम से इतने डर जाते हैं कि सही से खेल ही नहीं पाते। लेकिन मैं उन लोगों की अकल की दाद देना चाहता हूं भाई साहब जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो 10 मैच लगातार जीते थे, काफी है, अगर फाइनल में हार गए तो क्या हुआ? ये तो वही बात हुई कि भाई पूरे साल एक स्टूडेंट ने जो टेस्ट दिए थे उनमें वो बढ़िया कर रहा था, पास हो रहा था, और जब एग्जाम हुआ फाइनल तो उसमें फेल हो गया और वो टीचर को ये कहे कि देखो भाई मैंने तो सभी टेस्ट में अच्छे नंबर लिए थे, अगर मैं फाइनल में फेल हो गया तो क्या हो गया, मुझे आप पास करो, ये मेरी जबरदस्ती है, मुझे आपको पास ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सभी लुखों को बताना चाहता हूं कि वो जो हर महीने टेस्ट होते हैं उनमें कोई विद्यार्थी कितना भी अच्छा करे, जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें पास होना पड़ता है, जो उसमें फेल हो जाता है वो फेल ही रहता है। तो जब इंडियन टीम फाइनल एग्जाम में फेल हो गई है तो वो जो उससे पहले 10 टेस्ट हुए थे उनमें कितने नंबर आए थे इसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बर्बाद हो गया है, सब गटर में चला गया है। दोस्तों आज की 12th खबर है डायरेक्टर संजय गढ़वी साहब के बारे में। संजय भाई का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे और चलते चलते उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि गढ़वी साहब ही हैं जिन्होंने पहली धूम बनाई थी। गढ़वी साहब ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने धूम 2 बनाई थी, दोनों फिल्में हिट रही थी। ये आदमी बहुत ही टैलेंटेड आदमी था और बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं दुआ करता हूं कि उनको जन्नत में जगह मिले। दोस्तों आज की 12th खबर है विराट कोहली और उनके मैनेजर बंटी के बारे में। बंटी सचदेव करण जौहर का पार्टनर भी है और ये एक एजेंसी चलाता था और यही एजेंसी बहुत सारे क्रिकेटर्स का काम देखती थी, यानी कि किस क्रिकेटर को कौन सा ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है, कितने पैसे चार्ज करने हैं, ये एजेंसी ही डिसाइड करती थी। वर्ल्ड कप हारने के बाद 20 नवंबर को
सभी क्रिकेटर्स ने इस एजेंसी को छोड़ दिया है। उनमें है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रहाणे, केएल राहुल, शुभमन गिल वगैरह वगैरह। यानी कि एक ही रात में बंटी सचदेव बेचारा सड़क पर आ गया है, बर्बाद हो गया है। और बताया जा रहा है कि बंटी सचदेव ने इन सभी क्रिकेटर्स के साथ धोखा किया है, इनके कुछ पैसे हड़प लिए हैं और यही वजह है कि इन सब ने एक साथ उसकी एजेंसी को छोड़ दिया है। वो कहावत फिर से साबित हो गई है कि बुरा वक्त कब आता है पता नहीं चलता। दोस्तों आज की 14th खबर है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में। आप सभी को पता है कि ट्विंकल हर मुद्दे पर अपनी राय रखती रहती है और बड़ी अच्छी बात है। अब ट्विंकल ने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया है। आप सभी को पता है कि करण जौहर के शो पे दीपिका ने कहा था कि जब मेरा रिलेशन रणवीर सिंह के साथ चल रहा था तो मैं उस वक्त श्योर नहीं थी कि मैं इसी से शादी करूंगी, इसलिए मैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी, मैं और भी लड़कों से मिल रही थी, मैं डिसाइड करना चाहती थी कि मुझे रणवीर से ही शादी करनी है या किसी और से शादी करनी है। और इस बात को लेकर बहुत लोगों ने दीपिका को क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये कौन सी बात हुई कि एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो और फिर भी दूसरे लड़कों से मिल रही हो, दूसरा लड़का तलाश कर रही हो, ऑप्शन ढूंढ रही हो, ये कोई गाजर टमाटर तो है नहीं कि भाई मैं ये नहीं लूंगी, ये लूंगी, ये नहीं लूंगी, ये लूंगी। लेकिन अब ट्विंकल दीपिका के सपोर्ट में आई है। ट्विंकल ने कहा है कि दीपिका बिल्कुल सही थी, अगर दीपिका बहुत सारे लड़कों से मिल रही थी और ऑप्शन ढूंढ रही थी तो ये बिल्कुल सही है, सभी लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए, अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो बहुत सारे बेकार नल्ले कुत्ते जैसे लड़कों से बच जाएगी। ट्विंकल का ये कहना है कि भाई अगर आप एक सोफा भी खरीदते हो तो पहले इस सोफे पे बैठते हो, फिर उस सोफे पे बैठते हो, फिर उस सोफे पे बैठते हो, 10-15 सोफे पे बैठकर देखते हो कि कौन सा नरम है, कौन सा बढ़िया है, तब जाकर एक सोफा खरीदते हो। तो भाई साहब शादी ऐसे ही किसी लड़के से क्यों कर लेनी चाहिए, उनके साथ एंजॉयमेंट करना चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, ये जानने के लिए कि उनमें से बेस्ट कौन है। ट्विंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया ये राय देने के लिए, आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब सभी लड़कियों को बढ़िया ऑप्शन दे दिया। मैडम जी आप यकीन कीजिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं इस कहानी पर एक फिल्म जरूर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों आज की 15th खबर है धोनी और कपिल देव साहब के बारे में। इन दोनों ने ऑफिशियली कहा है कि इन दोनों को वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने के लिए नहीं बुलाया गया था और यही वजह है कि ये दोनों क्रिकेट स्टेडियम में नहीं थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया था, उन सभी बाकी क्रिकेटर्स को बुलाया गया था जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही गलत बात है, धोनी और कपिल देव साहब इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी इतनी इज्जत है समाज में, और जबकि हम सभी जानते हैं कि वही दो क्रिकेटर्स हैं धोनी और कपिल देव जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता है, बाकी किसी ने तो जीता ही नहीं है, तो अगर उनको भी नहीं बुलाया गया तो इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है। दोस्तों आज की 16th खबर है दर्जी मनीष मल्होत्रा के बारे में। आप सभी को पता है कि इस दर्जी को बॉलीवुड का टॉप दर्जी माना जाता है और ये भाई अपने घर पर पार्टी करता ही रहता है और जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं वो वहां जाते ही रहते हैं। अब फराह खान ने इसकी पार्टी के बारे में बताया है। फराह खान का कहना है कि जब मनीष मल्होत्रा की पार्टी होती है तो उसमें जितने भी बॉलीवुड वाले जाते हैं वो सब वही कपड़े पहनते हैं जो मनीष मल्होत्रा बनाकर उनको भेजता है। अगले दिन ये सभी लोग उन कपड़ों को वापसी मनीष मल्होत्रा को भेज देते हैं। तो यानी कि जो मनीष मल्होत्रा की पार्टी होती है वो एक तरह से उनके कपड़ों को दुनिया को दिखाना होता है, यानी कि ये सभी बॉलीवुड वाले उनकी पार्टी में जाते हैं और उनके कपड़ों का प्रमोशन करते हैं। बिल्कुल सही करते हो मनीष भाई, छाए रहो भाई साहब, मनीष भाई ये बिल्कुल बढ़िया काम है, फ्री में सब कुछ हो जाता है। दोस्तों आज की 17th खबर है हरभजन सिंह के बारे में। आप सभी को पता है कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तो स्टेडियम में अनुष्का शर्मा और अथिया दोनों साथ में बैठी हुई थी, तो वो दोनों बातें कर रही थी और कैमरामैन ने उनको दिखाया और उसी वक्त हरभजन सिंह कमेंट्री कर रहा था, तो उसने इन दोनों को देखकर कहा कि इस वक्त ये दोनों क्या बातें कर रही होंगी, जहां तक मुझे पता है इन दोनों को क्रिकेट की नॉलेज तो है नहीं, तो शायद ये फिल्मों के बारे में बातें कर रही होंगी। और भज्जी की इन बातों को सुनकर लोग भड़क उठे हैं। लोगों का ये कहना है कि भज्जी आप इस बात के लिए माफी मांगो, आप ये कह भी कैसे सकते हो कि लड़कियों को क्रिकेट के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ लड़कों को पता होता है, अगर आपने ऐसी घटिया हरकत की है, ऐसी घटिया बात कही है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियली माफी मांगनी ही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड छोड़ चुकी है, हॉलीवुड में जाके बस चुकी है, तो आज की अगली खबर उन्हीं के बारे में है। कुछ दिनों पहले प्रियंका मुंबई आई थी और अपनी 3-4 प्रॉपर्टीज को बेचकर चली गई, तो बताया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक एक प्रॉपर्टी करके इंडिया में बेच रही है और अपना सारा फंड अमेरिका में ट्रांसफर कर रही है। यानी कि फाइनल हो गया है कि अब प्रियंका चोपड़ा का मुंबई वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है, इंडिया में रहने का कोई
ज्यादा नहीं है, और यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर अपने सारे पैसे अमेरिका ट्रांसफर करना चाहती है। और मेरे ख्याल में सही भी है, प्रियंका चोपड़ा वहां काम करती है, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड वहां है, प्रियंका चोपड़ा की फैमिली वहां है, तो वो इंडिया आके क्या करेगी, मुंबई में रहकर क्या करेगी और क्यों आएगी भाई साहब। दोस्तों आज की 19वीं खबर है लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर के बारे में। आप सभी को पता है कि मनोज ने आदि पुरुष के डायलॉग्स लिखे थे और उनकी बहुत थूथू हुई थी, लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने खराब डायलॉग्स लिखे हैं। मनोज ने कहा है कि भाई अगर मैंने कुछ डायलॉग्स खराब लिख दिए हैं तो मुझे क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जब जावेद साहब ये लिखते हैं कि नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, तो सबको पसंद आता है, किसी को कोई एतराज नहीं है। और मेरे ख्याल में मनोज भाई यहां बिल्कुल सही है। मनोज भाई ने यह भी कहा है कि ये जितने रैपर्स हैं जैसे कि बादशाह है, हनी सिंह है, ये बहुत ही घटिया गाने बना रहे हैं और मनोज भाई को इनके गाने बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं इस बात के लिए भी मनोज भाई के साथ खड़ा हूं। ये जो हाथी नुमा सिंगर है बादशाह और ये जो माल वाला है हनी सिंह, इन्होंने म्यूजिक की मां की आंख कर दी है, इन्होंने म्यूजिक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड वालों को चाहिए कि इनको कोई गाना ना दे, इनसे दूर रहे भाई साहब, दूर रहो इनसे प्लीज। दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले फिल्म टाइगर बुड्ढा रिलीज हुई थी जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है, तो आज की 20th खबर इसी के बारे में है। जबकि फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है, इसके बावजूद भी इस फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई और उसमें बुढ़ऊ भी आया, इमरान भी आया, कैटरीना भी आई, और पूरी पार्टी के दौरान बुढ़ऊ अपनी और कैटरीना की बातें करता रहा, बुढ़ऊ अपने और कैटरीना के पास्ट के बारे में बातें करता रहा, रोमांस के बारे में बातें करता रहा, और आप यकीन करें पूरी पार्टी में कैटरीना इमरान हाशमी के पास खड़ी रही, बुढ़ऊ के पास गई भी नहीं, उसके पास खड़ी भी नहीं हुई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में बुढ़ऊ की बॉलीवुड में क्या वैल्यू है। जब एक लड़की बुढ़ऊ के पास भी खड़ा होना पसंद नहीं कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बुढ़ऊ की आने वाली फिल्म में शायद ही कोई लड़की राजी हो काम करने के लिए। दोस्तों आज की 21वीं खबर भी इमरान हाशमी के बारे में है। कुछ दिनों पहले एसआरके का बर्थडे था, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी घर पर और उसमें पूरा बॉलीवुड आया था, इमरान हाशमी भी उसमें आया था, और वो जल्दी ही उस पार्टी से निकल गया था। जब किसी मीडिया वाले ने इमरान से पूछा कि भाई आप जल्दी क्यों चले गए थे, तो इमरान ने कहा कि देखो भाई ना तो मैं शराब पीता और ना ही मैं बॉलीवुड के बारे में गॉसिप करता कि उसकी फिल्म हिट हो गई है, उसकी फ्लॉप हो गई है, उसकी खराब थी, उसकी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वहां बैठने का मेरा कोई मतलब ही नहीं था, मैं वहां घुटन महसूस कर रहा था और यही वजह है कि मैं पार्टी को जल्दी छोड़कर चला गया था। इमरान ने यह भी कहा कि जब फिल्मों का प्रीमियर होता है मैं वहां भी नहीं जाता, उसकी वजह भी यही है कि भाई अगर मैं किसी फिल्म का प्रीमियर देखने जाता हूं तो मुझे उस फिल्म के बारे में अच्छा ही कहना पड़ेगा, वो कितनी भी घटिया फिल्म हो, और मुझसे कहा नहीं जाता, तो यही वजह है कि मैं फिल्म देखने नहीं जाता। और ये तो आप खुद ही देख चुके हैं कि जब कोई प्रीमियर होता है बॉलीवुड वाले फिल्म देखने आते हैं तो वो कितनी ही घटिया फिल्म हो। भाई साहब लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म को भी बॉलीवुड वालों ने ये कहा था कि ये एक मास्टरपीस फिल्म है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने प्रीमियर देखा है तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की 22वीं खबर है पान मसाला के एंबेसडर जुबा केसरी एक्टर अजय देवगन के बारे में। अजय की फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग चालू है और आज इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है, और उस पोस्टर में ऐसा दिखाया गया है कि अजय इस फिल्म में भूत बना है, यानी कि इस बार इस फिल्म को भूतिया तड़के के साथ हिट करने की कोशिश की जा रही है। अजय भाई बाकी सब कुछ तो आपने करके देख लिया, एक्शन, थ्रिलर, लव स्टोरी, कुछ आपका चलता नहीं है, फाइनली अब आप भूत भी बन के देख रहे हो, भाई बढ़िया है, बढ़िया है, मेरे ख्याल में भाई फिल्म चल जाएगी ऐसा लगता है मुझे। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो, और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।